अगले वाले चौक से था गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माउंटेन राइडर। अभी बज रहे हैं शाम के अराउंड 5:20, निकल गए हैं हम अपनी राइड के लिए। सो आज अभी शाम को निकलने का इसलिए प्लान बना क्योंकि पहले दिन में काम थे वो कुछ निपटाए थे, उसके बाद फटाफट से एक चाय समोसे का ब्रेक लेके नहा धोना करके अब फिर मैं दोबारा बाहर आ गई हूँ। तो रीज़न ये है कि जो थोड़े बहुत आज थोड़ा सा मेकओवर का माइंड में आया है कि जो हमारे सिंघम है तो उसको हम थोड़ा सा मेकओवर देंगे। रीच टू आर डेस्टिनेशन और यहाँ पे 21D में वो शॉप पड़ती है, इज अ शॉप एंड यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं स्टिकरिंग के लिए। सो गाइज यहाँ पे मैं सिंघम आ चुकी है और दिस इज़ अ शॉप, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज जो स्टिकर्स है वो बनवा सकते हैं। और बाकी अभी यहाँ पे तो ये स्क्रैच है जिसको हाइड करना है, एक दूसरी साइड है यहाँ पे और यहाँ पे शायद पेंट का काम होगा और बाकी यहाँ पे ये लगा था तो बेसिकली इसको मैंने हाइड कर रखा था। तो यहाँ पूरा यहाँ पे स्टिकरिंग होगी, यहाँ पे होगी, यही सेम वहाँ चीज़ करवानी है और ये भी इसको देखेंगे इसको किस प्रिंट से करवाना है। सो गाइस टाइम चेक, इट्स अराउंड 6:05 और 10 से 15 मिनट का बोला था शायद। अभी जो बाकी की बाइक है, एक बाइक है और कार है तो उनकी लैमिनेशन बाकी है। बाकी मीनवाइल हम अपना लेमनेड इन्जॉय कर रहे हैं, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो नींबू पानी तो बनता है। तो अभी बस सिंघम खड़ी है वहाँ पीछे जिसकी बैक साइड थोड़ी सी आपको दिख रही होगी। क्या करो भैया इसमें लैमिनेशन, अच्छा नाइस। सो ये इंटरसेप्टर है, इस पर हो रही है लैमिनेशन का काम है, उस वाले पे स्टिकरिंग का काम हो रखा। सो गाइस आपको अगर स्टिकरिंग करानी है, ये नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आपको स्टिकरिंग करानी हो, कस्टमाइज आपको बनवाना हो, कुछ अपना लोगो बनवाना हो, बाकी रैपिंग है तो रैपिंग भी हो जाती है अगर आपको ये रैप्स के थ्रू आपको अगर कराना हो। बाकी जो भी अपडेट्स है वो आपको इंस्टाग्राम के हैंडल पे देखने को। सो काम हो चुका है स्टार्ट और शुरुआत हो रही है यहाँ पे क्रैश कार्ड से। सो इसको स्क्रैच करके और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक ऑरेंज फिल्म, ठीक है, ग्लॉसी फिल्म लगा के, तो ये कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि ब्लैक फिल्म करके और फिर से टेपिंग करके, तो या तो वो हो जाएगा। अभी बस जो सिंगम है उसका रैपिंग चल रहा है, अभी एक साइड हो चुका है, दूसरी साइड अभी होना बाकी है। एंड हु आई मेट, दिस इज रिचा, सो शी इज़ ऑल्सो अ राइडर एंड शी इज़ ऑल्सो अ फिटनेस कोच। सो एनी वन हु वॉन्ट्स टू यू नो गेन वेट और हु वॉन्ट्स टू लूज वेट, यू नो चंडीगढ़ आना हो तो कौन से सेक्टर में आपका होगा? बेसिकली 35 सेक्टर चंडीगढ़ है एंड जिसको भी अपना यू नो हेल्थ इश्यूज है, कोई भी वेट चैलेंजेस हैं, किसी को गेन करना है, लूज करना है, दे कैन कम टू आर ऑफिस इन सेक्टर 35। सो गाइस मोस्ट ऑफ ऑल काम हो चुका है, यहाँ पे जो स्क्रैचेस थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा हो चुका है। हट गया स्क्रैच, हट गई, ब्रांड न्यू हो गया। और वेयर एज यहाँ पे बस ये स्क्रैच वाला काम है, एक ये है। सो इस पे देखते हैं इस पे पेंट होगा या फिर हम स्टिकरिंग कराएंगे। एक यहाँ पे काम है साइलेंसर पे, तो इसके ऊपर शायद
तो ये होने वाला है सिल्वर रैप, और मुझे लगता है बिल्कुल ये मैच करेगा इससे हम रैप करेंगे। और बाकी यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ढूंढना पड़ेगा, ये मारा है बिल्ली ने, वेरी बैड। तो इसका देखते हैं, इसका अगर हम ऐसे लैमिनेट कुछ करते हैं या स्टिकरिंग का करेंगे तो वो देखना होगा। तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है और मेरे शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है। बाय, स्टिल अभी काम पेंडिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और हो गया कैसे भी। तो अभी हैंडल बार्स पे हो चुका है, साइलेंस गार्ड है तो उस पर काम हो चुका है, साइड रह गया है। और जो साइड टैंक वाली साइड पे जो नो फ्रेम है फाइबर का, तो उसके ऊपर बस वहाँ पर स्टिकरिंग रह गया है, बस फिर काम ख़त्म है। व्यान को मेरी बाइक बहुत पसंद आ गई, व्यान अच्छी है, व्यान अच्छी है, बाइक नाइस अच्छी है। ओके, व्यान को सिंगम बहुत पसंद आया, चलो चलो। अरे बापरे, फाइनली यहाँ पे ये लैमिनेशन का हो गया है एंड इट्स सो लुकिंग फार बेटर। काम कर ला फटाफट। फाइनली गाइज इट्स 7:46 और कम्प्लीट जो स्टिकरिंग का काम है वो हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज इतना गंदा लग रहा था, मतलब स्क्रैचेस के साथ लेके घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड थैंक्स टू उमेश भैया, थैंक यू सो मच। भैया का नाम क्या है? मयंक। अच्छा, थैंक यू मयंक भैया, थैंक यू उमेश भैया, ये है, थैंक यू सुमेश भैया, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं, तो जो भी आना स्टिकरिंग करानी हो, लैमिनेशन करानी हो तो यहीं पे आना, थैंक यू सो मच। निकलते हैं और कुछ खाना पीना करते हैं बिकॉज अभी 8 बजने वाले हैं। सिंगम है, उसको लग गई है भूख, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, सो अभी बस हम उसके लिए खाना ढूंढ रहे हैं। तो जो रेस्टोरेंट है उसका यहाँ से आगे जाके ही कहीं पड़ता है। पेट्रोल पंप कहाँ पे? यहाँ इधर से इधर है। अच्छा जी, थैंक यू। एक सेकंड, आप कर दो 500 का। उनको सिंगम का हो चुका था पेट खाली और उसने तो लो फ्यूल लेवल का दे दिया था सिग्नल, तो बंदे का भरना था पेट, नहीं तो खाली पेट कौन सी गाड़ी चलती है। तो हुआ है हमारा अभी अराउंड 4-5 लीटर तक तो भर गया, चलो इतना तो हो गया है। तो बीच में आ गया था एक कॉल, तो इसलिए बीच में मुझे रुकना पड़ा। फिर बस अब निकलते अपने घर की ओर, अभी टाइम हो रखा है 8:18 और मैं फ्यूल अप मैंने ऑलमोस्ट करा लिया है, तो 4 डंडे हो चुके हैं, पेट अपने सिंगम का भर चुका है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल माउंटेन राइडर। बस अब अपने घर हम पहुंचने वाले हैं, सो टिल देन अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल माउंटेन राइडर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर मी एंड सिंगम मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। होने वाला है टाइम, चलते हैं घर की ओर।